नमस्कार, मैं रवीना मिनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते क्राइम से खबरें। रोहित शेखर हत्याकांड अपूर्वा के कबूलनामे के बावजूद कोर्ट में जुर्म साबित करना हो क्या मुश्किल। आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल व यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे एनडीए तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी हत्याकांड की गुत्थी से पुलिस ने भले ही पर्दा उठा लिया हो, लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस के जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। हालांकि अपूर्वा की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की राह आसान नहीं होने वाली है। अपूर्वा ने भले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया हो, लेकिन कोई इस बात को साबित करने में पुलिस को बहुत मुश्किलें आने वाली है। वकील अपूर्वा अच्छी तरह से जानती है कि हत्या के आरोपी से कैसे बचा जा सकता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हत्या करने वाले अपूर्वा ने कमरे में सबूतों से भी छेड़छाड़ की है। जानकारी के मुताबिक अदालत में अपूर्वा पर हत्या का आरोप साबित करना भी पुलिस के लिए टेढ़ी खीर होगा। श्रीलंका में फिर हुआ बम ब्लास्ट, कोलंबो में हाई अलर्ट। श्रीलंकाई प्रशासन ने इस संबंध में मंगलवार को कई लोगों को गिरफ्तारी भी किया गया है। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने भी, इसके साथ ही हमलों को अंजाम देने वाले फिदायिनों की पहचान भी कर ली गई है। बता दें कि ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों और होटलों को निशाना बनाया गया था। हमलों को 7 फियादीन हमलावरों ने अंजाम दिया था। यह हमला कोलंबो के सेंट एंथनी गिरजाघर, पश्चिमी तटीय शहर के नेगोबो के सेट से सेबिस्टियन गिरजाघर, बटी क्लोवा के जियोन गिरजाघर, 5 स्टार होटल शांग्री लॉ, सिनामोन ग्रैंड और किसम्बरी को निशाना बनाया गया था। वीजा लगाने का झांसा देकर विवाहिता से चंडीगढ़ में पटियाला में दुष्कर्म, धमकी, कहा तेरे बच्चे को मार दूंगा। इटली का वीजा लगवाने का झांसा देकर विवाहिता को अपने साथ ले गया, फिर उसे डरा धमका कर पहले चंडीगढ़ और फिर पटियाला के गांव में दुष्कर्म किया। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद हरियाणा निवासी आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़िता ने कुछ देर में ही आरोपी के खाते में 2,00,000 रुपए डलवा दिए थे। उसी दिन शाम को फिर से आरोपी का फोन आया और वीजा के लिए कुछ जरूरी कागजातों का हस्ताक्षर करने के लिए पटियाला जाना। पीड़िता के मुताबिक आरोपी की गाड़ी में चली गई थी। 26 साल की पीड़िता विवाहिता ने बताया कि उसके पति इटली गया हुआ है। किसी जान पहचान के व्यक्ति ने आरोपी रजमोत सिंह 27 उम्र को निवासी गांव कसोली थाना चिका के जिला कैथल हरियाणा के बारे में बताया था कि वह पैसे लेकर उसका वो उसके 6 साल के बेटे को वीजा लगवा देगा। इसलिए उसने रंजोत सिंह को अपने एक बच्चे का पासपोर्ट, आधार कार्ड व अन्य कागजातों और वीजा लगाने के लिए दे दिए। इसी बीच 17 दिसंबर 2018 को पटियाला में थाना पसियाना अधिक पड़ते गांव में अपने रिश्तेदार पर घर आई थी। उसी दिन आरोपी को फोन आया कि वह 2 दिन के लिए वीजा लग जाएगा और 10,00,000 रुपए उसके खाते में डलवा दो। इसी बीच उस महिला के साथ धोखाधड़ी की गई थी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए।